दूसरी लहर के बाद देश भर में टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट मिला है। महीनों से घरों में बंद लोग अब सैलानी बनकर पहाड़ों समुद्र किनारों पर अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। इसके चलते होटल वालों से लेकर टूरिस्ट स्टेशन पर रेहड़ी पटरी लगाने वालों से लेकर घोड़े खच्चर के जरिए रोजगार कमाने वालों तक सब में जोरदार उत्साह है। अभी 5-4 घोड़े वाले ऐसे हैं कि जो गांव चले गए हैं और उनमें से 2 घोड़े वाले आ गए हैं, 2 अभी आने वाले बाकी है, पर हम उनको फोन करके बुला लिया हुआ कि आप आ जाओ और हमारा काम अच्छा चल पड़ा हुआ, आप भी 4 पैसे कमा सकते हैं। सर पिछली भरपाई तो नहीं हो सकती है क्योंकि जो टाइम चला गया वो चला गया, क्योंकि आगे जो है हमारे को इच्छुक है भाई अच्छा काम बढ़िया चल रहा है और भी आगे भी उम्मीद ही होगी कि अच्छा काम चले। अब कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई तो अनुमान है कि दिसंबर तक टूरिज्म सेक्टर पटरी पर लौट आएगा। कोरोना में बेहाल इस सेक्टर को जल्द ही एक गुड न्यूज सरकार से भी मिल सकती है। दरअसल पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म और रूरल टूरिज्म का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने नेशनल स्ट्रेटजी ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक लोगों को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल यानी MVT के लिहाज से देश में पर्यटन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसे लागू कर देश के पर्यटन उद्योग को एक नई दिशा दी जा सकती है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के रूरल एरियाज में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हमारे देश में कई तरीके के फायदे होंगे। एक तो नए रोजगार का सृजन होगा और इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। अमेरिका तथा यूरोप जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत में इलाज कराना काफ़ी सस्ता होता है और हमारे यहाँ ट्रेंड मेडिकल स्टाफ तथा नर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी सस्ती और अच्छी मात्रा में मौजूद है। ऐसे में इनका फ़ायदा उठा करके देश में मेडिकल टूरिज्म को काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय के ड्राफ्ट में योगा और वेलनेस सेंटर के माध्यम से भारतीय पुरातन चिकित्सा व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही पर्यटन मंत्रालय ने देश में रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कमर कस ली है। अब रूरल टूरिज्म को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के साथ ही नॉर्थ ईस्ट और देश के कई राज्यों के अनछुए गाँव और उनकी कहानियों को इस नए ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने में आम लोगों से भी सुझाव लिए गए हैं।